हैं, फोटो भी वायरल हो जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप गरीबों की पार्टी का दावा करते हैं, दम भरते हैं, लालू जी सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, बावजूद इसके आपके बेटे जो है उस तरीके से मौज मस्ती चार्टेड दिन में हॉलीडे सेलिब्रेशन। ये तस्वीरें खैर मैंने भी देखी हैं, अब ये हर किसी का एक अपना व्यक्तिगत तरीका हो सकता इस तरीके से जन्मदिन मनाने का, मतलब बात सिर्फ गरीब पार्टी की ही नहीं है, जब आप गरीबों की बात करते हैं बात सिर्फ उसी की नहीं है, बात इस बात की भी है कि एक तरफ आपके पिताजी जेल में हैं, उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हफ्तों हफ्तों तक मैं देखता हूँ कि वो उनसे मिलने भी नहीं जाते हैं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से उनकी ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं मैं देख रहा हूँ, वही है मेरा छोटा भाई है, हमेशा नसीहत देता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ, पुनः समझाऊँगा कि ये सब ठीक नहीं लगता। और आप जिस पद पर हैं आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, आपके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे में जिम्मेदारियों को पूरा करने की बजाय विधानसभा जाने का आपके पास समय नहीं होता है, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का आपके पास समय नहीं होता, बट जब आप ऐसे कार्यों के लिए समय निकालते हैं तो कहीं ना कहीं जनता आपसे सवाल पूछेगी कि भैया एक तरफ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, चुनाव सर पर हैं, आपके पास अपने पिता से मिलने का समय नहीं है, प्रदेश की जनता से मिलने का समय नहीं है, अपने क्षेत्रवासियों से मिलने का समय नहीं है, बट उसके बाद जब आप ऐसा भव्य आयोजन करते हैं वो भी चार्टर फ्लाइट में, मतलब कल्पना के परे, बट ठीक है समझाएंगे। समय आ गया, देखिए जब ये चर्चा के लिए जब ये औपचारिक तौर पर आएगा, मैंने ट्रिपल तलाक के वक्त भी हम लोगों ने यही बात कही थी, धारा 370 के वक्त भी हम लोगों ने यही बात कही थी, राम मंदिर के समय भी हम लोगों ने यही बात की थी कि जब औपचारिक तौर पर जब ये आएगा चर्चा के लिए, अभी बिना मतलब के इसकी चर्चा शुरू करने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है, बट हाँ जब सरकार के द्वारा आएगा एनडीए के तमाम घटक दलों से जब अपनी राय मांगी जाएगी तो हम लोग औपचारिक राय, हाँ तो एक बार जब चर्चा के लिए औपचारिक तौर पर आएगा, पार्लियामेंट खुलने वाला 18 तारीख को, तो हो सकता है शायद सदन में इस विषय को लेकर आए, तो उस वक्त पार्टी अपनी राय रखेगी।